दोस्तों यदि आप भारत के सरकारी बैंक यूनियन बैंक में अपना जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं, जिसमें अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना जीरो सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कैसे आप यूनियन बैंक में अपना जीरो सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यूनियन बैंक में अपना जीरो सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करेंगे, सर्च बॉक्स में आपको यहां पे सर्च बॉक्स में टाइप करना होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो चलिए गाइस मैं यहां पे टाइप कर देता हूं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करेंगे इसके बाद आपके सामने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यूजर इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको यहां पर देखने को मिलता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके बाद आपको आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन का लोगो देखने को मिलता है। तो गाइस कहने का मतलब यह है कि इन तीनों बैंकों का आपस में विलय हो चुका है, तो इन तीनों की ब्रांच में विजिट करके आप अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही गाइस जैसे कि आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आपको लोन्स की इंफॉर्मेशन भी दी जाती है। यदि आप लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन, होम लोन, गोल्ड लोन लेना चाहते तो ये यहां पर फैसिलिटी भी दी जाती है। इसके अलावा आपको डिजिटल बैंकिंग की फैसिलिटी भी दी जाती है जिसके अंतर्गत आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और नीचे आपको डिपॉजिट करने की फैसिलिटी भी दी जाती है जिसमें आप अपना एफडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप इसमें रिक्वायर्ड आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स वगैरह भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट ओपन करने के लिए जीरो सेविंग अकाउंट तो यहाँ पर आपको मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद गाइस यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको अकाउंट एंड डिपॉजिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप अकाउंट एंड डिपॉजिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने जो बैंक्स ये आपको जितने तरह के आपको बैंक अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देता है वो अकाउंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताया गया सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स के अंदर सेविंग बैंक अकाउंट देखने को मिलता है। और यदि आप रिटायर्ड पर्सन है तो आप ये अकाउंट ओपन कर सकते, स्टूडेंट है तो ये ओपन कर सकते हैं। और भी कई तरह के यहाँ पर अकाउंट्स देखने को मिल जाते हैं। सेविंग अकाउंट ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पे सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर लेना होगा। सबसे पहले आपको जस्ट यहाँ पे मोर पर क्लिक करेंगे। मोर पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलती है, कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जाती है। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात की जाए तो इस अकाउंट को आप यदि आप सिंगल इंडिविजुअल है तो और ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहते तो तब भी आप इस अकाउंट को ओपन कर पाएंगे। और यहाँ पर सभी चीज़ें बताई गई कि कौन कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। और इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्वार्टरली आप इस अकाउंट में 250 रुपये से, अगर आपका कहीं रूरल एरिया है तो 250 रुपये, यदि आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो 250 रुपये आपको मैंडेट करना होगा। और यदि आप किसी थोड़े से कस्बे शहर इलाके में हैं तो आपको 500 रुपये मैंडेट करके रखने होंगे। और यदि आप शहरी इलाकों से बिलोंग करते हैं तो 1000 रुपये आपको मैंडेट करने होंगे। मेट्रो सिटी से यदि आप बिलोंग करते हैं तो 250 रुपये आपको बिलोंग यहाँ पे मैंटेन करके रखने होंगे। तो ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है चेकबुक और विदाउट चेकबुक के अंतर्गत। इसके अलावा आपको यहाँ पे टाइप ऑफ एटीएम कार्ड भी देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको क्लासिक डेबिट कार्ड मिलता है और यहाँ पे जो डेबिट कार्ड मिलता है वो आप इसके लिए आपको किसी प्रकार के चार्जेस नहीं देने होते। 8 ट्रांजेक्शन यदि आप करते हैं महीने में तो वो फ्री होती है और 3 ट्रांजेक्शन एंड 5 मेट्रो सिटीज़ में आप कर सकते हैं। ये कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अकाउंट से आप एक साथ विड्रॉल कर सकते हैं 25,000 रुपये तक पर डे के हिसाब से और पोस्ट लिमिट है। यदि आप ऑनलाइन आधार बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 50,000 रुपये की लिमिट दी जाती है। फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस आपको 2,00,000 रुपये तक का दिया जाता है। और इसके अलावा SMS बैंकिंग चार्ज वो आपके बैंक एप्लीकेशन फॉर्म पर निर्भर करता है कि आपको कितने देने होंगे। और यहाँ पर आपको 20 पेजेस की आपको चेकबुक की फैसिलिटी दी जाती है। और यहाँ पर आपको और क्या क्या दिया जाता है तो यहाँ पर NEFT की फैसिलिटी भी दी जाती है, RTS IMPS भी कर सकते हैं। अकाउंट क्लोजर आप यहाँ पे इस अकाउंट को 14 दिनों से लेकर 12 महीने तक आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, कभी भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कुछ पेनल्टी फीस भी बताई गई है, यदि आप इस अकाउंट को मेंटेन करके नहीं रखते तो आपको ये कुछ फीस एंड चार्जेस देने होंगे। और इसका हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे जहाँ से आप ये फीस एंड चार्जेस भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कुछ आपको फीस एंड चार्जेस देने होते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए जस्ट यहाँ पर आपको नीचे जाना पड़ेगा और यहाँ पर सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेविंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे इसके बाद इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं।
तो अभी यहाँ पे लोडिंग होना स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे इसके कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं और नीचे आपको देखने को मिलता है क्लिक हेयर टू अप्लाई नाउ ऑनलाइन अकाउंट। तो आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और आपके सामने यूनियन बैंक का ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग करने का ऑनलाइन आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाता है, जहाँ पर आपको अपने यहाँ पर फुल नेम डालना होगा, जेंडर टाइप कर लेना है, फादर नेम आपको सिलेक्ट कर लेना, मदर नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सबमिट करेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे सबमिट करेंगे, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, ईमेल आईडी और आईडी प्रूफ में आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आप अपना स्टेट चूज करेंगे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है आपको और यहाँ पे आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आता है, तो OTP को आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा और आपके ईमेल आईडी पर भी OTP आता है, तो OTP से वेरीफाई करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको एड्रेस एंड अदर डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी होगी, जिसमें आपको डालना होगा कि जहाँ पर अभी आप रहते हैं, कम्युनिकेशन एड्रेस डालना होगा, परमानेंट एड्रेस डालना होगा और अदर डिटेल यहाँ पर डालनी होगी, जैसे कि ऑक्यूपेशन में आपको डाल लेना है कि आप काम क्या करते हैं। यहाँ पर आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपके एग्रीकल्चर है, हाउसवाइफ है, स्टूडेंट है, जो भी आप अपने हिसाब से डालेंगे। नीचे आपको अगले ऑप्शन में आपको रिलीजन्स देखने को मिलता है, आप हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, तो आप अपने हिसाब से डाल लेंगे। इसके बाद आपको कास्ट ऑप्शन में देखने को मिलता है कि आपको जनरल, OBC, SC, ST ये यहाँ पे आप डाल सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आते हैं, एनुअली इनकम डाल सकते हैं, बिजनेस डालेंगे और ये सभी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप इंडिविजुअली नीचे आपको कंटिन्यू ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे इसके बाद आपको अपने नॉमिनी डिटेल यहां पर सबमिट करनी होगी, जिसके साथ आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो यहां पर डाल सकते हैं और जो नॉमिनी है आपके साथ यदि रहता है तो सेम एड्रेस पर इसको सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर क्लिक करेंगे, हाउस नंबर वगैरह डालेंगे और यदि नॉमिनी जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं यदि वो माइनर है, 18 वर्ष से कम है तो नो करेंगे और यदि 18 वर्ष से ज़्यादा तो यस करेंगे और यहाँ पर कुछ फैसिलिटी भी दी जाती है जो कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और आपको नॉमिनी का आधार कार्ड लेने के बाद यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाल देनी है, रिलेशन वगैरह टाइप करेंगे, इसके बाद नॉमिनी माइनर यहाँ पे पूछा जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देंगे। नीचे आपको अदर फैसिलिटी दी जाती है कि इस अकाउंट में आप इंटरनेट बैंकिंग लेना चाहते हैं, ATM कार्ड लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, तो यहाँ पे आप लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, मोबाइल बैंकिंग लेना चाहते हैं तो यस करेंगे एंड SMS बैंकिंग लेना चाहते तो SMS बैंकिंग पर भी क्लिक करेंगे। यदि आप चेकबुक लेना चाहते तो चेकबुक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप चेकबुक पर क्लिक करेंगे इसके बाद कुछ लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा और नीचे आपको बताया जाता है कलेक्ट फ्रॉम ब्रांच और डिलीवर टू होम ब्रांच, तो आप ब्रांच में विजिट करके भी आप इस जो ये आपका ATM कार्ड चेकबुक है आप अपने ब्रांच से जाके ले सकते हैं। इसके अलावा आप घर से आपके घर पर डिलीवर भी करवा दी जाती है। तो अभी हम कलेक्ट फ्रॉम ब्रांच अपने हिसाब से आप चूज़ कर लेंगे गाइस जो भी आप लेना चाहते हैं और इसके बाद नीचे आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट एप्लीकेशन पर फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ लोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद आपको कन्फर्मेशन पेज के लिए बोला जाता है तो आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर लेना है। तो अभी जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है बैंक के अंतर्गत और तो इसके बाद आपका जो बैंक है वो आपके पास वेरिफिकेशन कॉल करेगा और वेरिफिकेशन कॉल करने के बाद आप वहाँ पे जा कर के आधार कार्ड और पैन कार्ड वहाँ से KYC करके अपने चेकबुक, ATM कार्ड, मोबाइल बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर दिया जाता है जिसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपनी ब्रांच में विजिट करके ये सभी फैसिलिटी आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप इस अकाउंट को 30 दिन के अंतर्गत आपको ब्रांच के अंदर विजिट करना होगा और ये वैलिड होगा, यदि आप नहीं जाते तो ये आपका कैंसिल कर दिया जाता है ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और यहाँ पर आपको सभी इन्फॉर्मेशन बताई जाती है बैंक के रिगार्डिंग। इसके अलावा यहाँ से ये इस इन्फॉर्मेशन को डाल के आप KYC कंप्लीट करके यूनियन बैंक में आप अपना 0 सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नीचे आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके भी आप इस अकाउंट को फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं अपने बैंक ब्रांच में। और यदि गाइस आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।